असली चेहरा हिटलरी चेहरा आएगा 2024 में अगर ये जीत जाते हैं तो, क्योंकि सबसे ज़्यादा सिरदर्द मोदी सरकार के लिए यूट्यूब है और आपका यूट्यूब भी बंद हो जाएगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि सरकार को आने मत दो, नहीं यूट्यूब का यह भी फ्रीडम खत्म हो जाएगी। कि ARSS BJP की सरकार को रोका जाए। ...2024 मई के लास्ट तक नई सरकार बनेगी। आप अब बहुजन समाज, कर्मचारी संगठन, किसान संगठन, मजदूर संगठन, ट्रेड यूनियन ये फैसला कर लें कि उस दिन सरकार वो बनेगी जो संविधान खत्म करेगी, कि सरकार वो बनेगी जो संविधान को बचाएगी। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि प्रधानमंत्री जी के आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष विवेक देबराय ने कहा कि संविधान नकारा है, इसको बदलना है। प्रधानमंत्री का आर्थिक सलाहकार कहने के बाद जिस तरह से इसका विरोध होना चाहिए था हुआ नहीं, और कोई छोटे मोटे आदमी ने नहीं कहा, अर्थात प्रधानमंत्री ने खुद कहा है कि हम संविधान खत्म करेंगे। इतना एडवांस में, इतना समय दे करके, चेतावनी दे करके जो ख़त्म करना चाह रहा, उसके बाद जो कथित संविधान प्रेमी हैं, कथित भी और सही भी, जो बाबा साहब के अनुयायी हैं, जो डेमोक्रेसी में यकीन करते हैं, चाहे लिबरल हो, चाहे लेफ्टिस्ट हो, चाहे टीचर्स हो, कोई कम्युनिटी हो, उनको संज्ञान लेना चाहिए कि इस सरकार को रोका जाए, इनकी आगे सरकार न बने। 2014 से लेकर 19 तक यह सरकार इतना निरंकुश नहीं थी। 2019 से 23 तक इस सरकार का क्रूर चेहरा आया है और असली चेहरा हिटलरी चेहरा आएगा 2024 में अगर ये जीत जाते हैं तो। इसका संदेश पूरे देश में जाएगा तो हम आधा परसेंट भी, 1% भी वोट अगर हम प्रभावित कर लें तो हम संविधान को बचा लेंगे। और ख़ासतौर से मुसलमानों और ईसाइयों के लिए मैं कहना चाहता हूँ, उनके साथ तो वो बुरा बर्ताव होने वाला है कि उनका वोटिंग राइट भी छीनी जाएगी। और जिस तरह से संसद के पटल पर उग्रवादी आतंकवादी कहा है, ऐसे में मुस्लिम समाज को बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है और हमारे साथ मिल करके लड़े तो लड़ाई जीत पाएगा। अगर वो अलग से भी करता है तो इसका जो मिसइंटरप्रिटेशन ARSS BJP के लोग करते हैं और हिंदुओं में प्रचार करेंगे, देखो सारे मुसलमान एक हो रहे हैं, हिंदू एक हो जाओ, इसलिए उनके लिए भी यही है कि सारे डेमोक्रेटिक माइंडेड लोग, चाहे जिस जाति बिरादरी के हैं, सेकुलर और बहुजन समाज के साथ मिल करके संविधान बचाने का काम करें। जाति जनगणना से देश की तरक्की संभव है, और ना कोई ज़्यादा संभावनाएं नहीं इस देश के अंदर।
दलितों को आरक्षण दिया, वो कमाने लगे, कमाने से घर बनाया, कपड़ा पहना, बच्चों को पढ़ाना शुरू किया, वस्तुओं को इस्तेमाल किया। बिक्री किसकी हुई? व्यापारियों का। ट्रेड किसका बढ़ा? ट्रेड बढ़ा, व्यापार बढ़ा, तो भारत की अर्थव्यवस्था बढ़ी है। अगर सबको भागीदारी दी जाए तो सबकी क्रय शक्ति अर्थात खरीदने की क्षमता बढ़ेगी, तो भारत की अर्थव्यवस्था दुगनी हो जाएगी। इसलिए जाति की जनगणना जरूरी है, निजीकरण के ऊपर पाबंदी लगनी चाहिए, ईवीएम से चुनाव नहीं होना चाहिए। जो आदमी, जो मतदाता वोट अपना दे रहा है, वो देख नहीं सकता किसको दे रहा है, यह सही नहीं है। दुनिया के जितने देशों ने पहले ईवीएम से वोटिंग कराई, ईवीएम से चुनाव कराया, उन्होंने सबने त्यागा है कि यह निष्पक्ष नहीं है। तो पुरानी पेंशन का बहाली कराना बहुत जरूरी है। 1 अक्टूबर को पुरानी पेंशन को लेकर एक बहुत बड़ी रैली हुई, सरकार दबाव में है। उन सब से मैं कहूँगा कि फिर से धक्का दो, और दिसंबर तक तो आप धक्का दे सकते हो, आगे चुनाव आ जाएगा तब आप लड़ भी नहीं पाएंगे। अभी ही माहौल बनाया जा सकता है, सारे कर्मचारियों अधिकारियों को आना चाहिए। एक उदाहरण देना चाहता हूँ, हिमाचल प्रदेश में नई पेंशन के तहत एक कर्मचारी शर्मा, जिसको 1770 रुपये पेंशन मिलती थी, और कांग्रेस की सरकार बनी, पुरानी पेंशन की बहाली हुई, 36,820 रुपया पेंशन मिला, जहां 1780 मिलता था। इस देश में पूंजीपति लूट ले जाए, 25 लाख करोड़ का कर्ज माफी हुआ है, 25 लाख करोड़। अगर 1 लाख करोड़ या 50,000 पेंशन देना हो तो कौन सी मुश्किल है। इस देश के पूंजीपति लूट ले जाए, उनका कर्जा माफी है, लेकिन कर्मचारी को पेंशन नहीं मिलेगी। या ये जो किसान का कर्जा माफी नहीं होता, मैं जानता हूँ कि ये बहुजन मीडिया, इसका दो पर्पज, समाचार तो प्रसारित करना ही है, समाज की सेवा करना भी जरूरी है। YouTube बंद करने का काम चल रहा है, और अंबानी अपने बड़े चैनलों को बंद करने जा रहे हैं, और YouTube पर भारी निवेश करेंगे, और आपका YouTube भी बंद हो जाएगा। इसलिए मैं कहता हूं कि सरकार को आने मत दो, नहीं YouTube का यह भी फ्रीडम खत्म हो जाएगी। क्योंकि सबसे ज़्यादा सिरदर्द मोदी सरकार के लिए YouTube है, तो जितनी ताकत आप लगाएंगे इनको रोकने का, उतना ही हमारे लिए, आपके लिए, देश के लिए, संविधान बचाने के लिए उचित होगा। तो यही मैं आप लोगों से कहता हूँ, मैं फिर से इसको संक्षेप में एक बार कह देना चाहता हूँ कि आगे कोई नौकरी नहीं मिलने वाली है, पेंशन भी नहीं मिलेगा, संविधान भी नहीं होगा, प्रेस फ्रीडम भी नहीं होगी, यूट्यूबर्स भी नहीं होंगे, जात की जनगणना भी नहीं होगी, आरक्षण भी खत्म हो जाएगा। अगर संविधान नहीं बचता है तो व्यापार की स्थिति, पता नहीं कि इस देश का जो मीडियम व्यापारी है वो निकलता नहीं। बड़े पूंजीपतियों को बढ़ावा दिया गया,
और जो एमएसएमई है, छोटे कारोबारी हैं, इस समय बड़े त्रस्त हैं कि एआरएसएस बीजेपी की सरकार को रोका जाए। सर, आपने ईवीएम के बारे में बोला कि ईवीएम से चुनाव नहीं होना चाहिए, इस मामले पे आपकी पार्टी भी आपके साथ है? यहाँ गैर राजनीतिक है, मैंने पहले बोल दिया है। अगर एक पार्टी की तरफ बोलें तो पूरे समाज को इकट्ठा हम नहीं कर सकते। इसमें नाई समाज, यादव समाज, रेलवे के एम्प्लाईज, गैर एम्प्लाईज और सारा चीज़, तो हम सामाजिक स्तर पर हमारी क्या भूमिका होती है उसको हम निभाएंगे। राजनीतिक पार्टी पर दबाव बनाना चाहिए इसके लिए, ईवीएम से चुनाव नहीं होना चाहिए? हम तो दबाव बने क्या, हमें मार, अगर मान लीजिए सरकार तानाशाह है, महंगाई बढ़ती है, तो मार क्या राजनीतिक लोगों के ऊपर पड़ती है? आपके ऊपर, हम के ऊपर पड़ती है, तो क्या सिविल सोसाइटी, यह सिविल सोसाइटी का मूवमेंट है, सिविल सोसाइटी को प्रेशर बनाना चाहिए।